और शामबी के करारी रिजवी डिग्री कॉलेज में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम मानवाधिकार सेमिनार में मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि समानता, सरलता और गरिमा से जीवन जीने का हक है। मानवाधिकार दो तरीके से प्राप्त होता है, नैसर्गिक व कानूनी। यदि थाने में कोई आपका केस दर्ज न करे तो आपके पास न्यायालय में मामला दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने घरेलू हिंसा के विषय में विस्तार से बताया, साथ ही किस प्रकार प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। आगे कहा कि मानव अधिकार वो अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से जीवन बिताने एवं उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार है। न्यायमूर्ति आर सी दीपक ने कहा कि आज मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एचआरपीओ अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन अभिषेक श्रीवास्तव मानवाधिकार का सवाल मानव की गरिमा की रक्षा से शुरू हुआ। वर्तमान दौर में जो राजनीति हो रही है वो मानवाधिकारवादी नहीं है। आज की राजनीति की अगुवाई करने वाले लोग संविधान में यकीन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संवैधानिक नैतिकता का पालन होना चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे लोग इस पर एतराज जताते हैं। बीते दिनों जिले के एक पत्रकार को जेल भेजने के मामले में कहा कि यदि पत्रकार मानवाधिकार का हनन हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही पत्रकार उत्पीड़न की निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यालय स्थित मानवाधिकार जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर एचआरपीओ के प्रदेश अध्यक्ष गुलफाम अली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में रिजवी ट्रस्ट के चेयरमैन राशिद रिजवी, मंडल अध्यक्ष रंजीत जायसवाल, महेंद्र केसरवानी, अरविंद कुमार यादव, कुर्बान अली, अनिल प्रजापति, गणेश वर्मा, विभान आदि लोग मौजूद रहे। और शामबी से विकास कुमार गौतम की रिपोर्ट। अगर वो अधिकारी, वो ऑफिसर जिन पे कानून को क्रियान्वित करने का कह दिया गया है, जो इस समाज के रक्षक हैं, अगर वो कानून के विरुद्ध जाकर कानून का दुरुपयोग करके अगर मानवाधिकारों का हनन करते हैं, तो हम उनके विरुद्ध कानून के दायरे में रहकर कानून का सदुपयोग करके ऐसी ऐसी कार्रवाई करेंगे जो वो कभी सोचे नहीं होंगे। और समाज के तीन तबकों के लोगों से मैं कहूँगा कि वो लोग जो डरते हैं किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, दूसरी बात जो समय नहीं देना चाहते, तीसरे वो लोग जो अक्षम होते हैं, अगर आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, अगर आप किसी अधिकारी के विरुद्ध हिम्मत जुटा पा रहे हैं, आप समय देते हैं, तो हम आपकी अक्षमता को सक्षमता में बदल देंगे और मानव अधिकार हनन एक अतीत बनकर रह जाएगा इस प्रदेश में। और ये संगठन सिर्फ भारत स्तर पर नहीं, पूरे विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है और इसके पदाधिकारी पूरे भारत में, कई प्रदेशों में, प्रदेश, मंडल, जिला, ब्लॉक, तहसील, हर स्तर पर गठित किए गए हैं। सारे लोग अपॉइंटमेंट है, महिला सेल हमारा है, महिलाएं जो इससे संगठन से जुड़ना चाहें वो संगठन में आएं और महिला सेल में उनको पद दिया जाएगा। हमारे यहाँ सदस्यता बहुत ही आसान बनाई गई है, जो भी लोग सदस्य बनना चाहें वो सदस्य बने, और जिनकी शिकायतें हैं वो एक प्रत्यावेदन के माध्यम से, जिसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक फ़ोटो लगाकर अगर हमारे कार्यालय तक आता है, मेरे तक आता है, तो मैं स्वयं उस मैटर में संज्ञान लूँगा, जाँच करूँगा, करवाऊँगा, और अगर मानवाधिकार हनन संबंधी शिकायतें सही पाई जाती हैं उस पर कार्रवाई होगा। और यही नहीं, जो शिकायतकर्ता होंगे उनको किसी न किसी माध्यम से, चाहे फ़ोन करके, चाहे पद के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा। और बहुत जल्दी हम लोग एक पोर्टल बनाने के उस पर प्रपोजल पे कार्य कर रहे हैं कि सारी शिकायतें आप पोर्टल पे डालें और उस पर हम सीधे एक्शन ले सकते हैं। सर, कौशाम्बी में एक ईमानदार पत्रकार को जेल भेज दिया गया, इसमें क्या कहना है आपका? कहना है कोई ईमानदार पत्रकार था उसको जेल भेज दिया है, जरूर कहीं ना कहीं कानून का अवहेलना हुआ है। अब उस पेपर को जब तक हम पेपर ना देख लें कि किस आधार पर भेजा गया, तब तक हम उस पर क्या विधि कराए आपको दे सकते हैं। कोई ऐसी बात है, जब तक पूरा मसला अगर हमारे सामने आता है तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा और जहाँ से भी हो सकेगा उनको न्याय दिलवाऊँगा। अगर प्रेस मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा वो कानून के दायरे में रह कर कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर आप कानून के दायरे से हट गए तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो समाज के भक्षक लोग तो बैठे ही हैं। इसीलिए जैसे आप कानून के वजह से करें, सोशल मीडिया में पत्रकार ने खबर चलाया था, जब वही खबर आल मीडिया में, आल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों में चला, उन सभी पर कार्रवाई नहीं हुआ। और नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम 66A, जिसके तहत अगर कोई भी चीज़ आप फेसबुक पे और यहाँ वहाँ डालते थे उसके खिलाफ FIR दी जाती थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को निरस्त कर दिया है अब। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता है, उन धाराओं में लोग चार्जशीट भी लगा रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट कई बार एक्शन लिया और उसके लिए बाद में धारा 66D बनाई गई। तो अब वो सब मैटर जब तक सामने नहीं आएगा, सारे पेपर हम नहीं देख सकते हैं, कोई कमेंट नहीं दे सकते।
धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।